साथियों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम आपको 30x40 साउथ फेस घर में बना हुआ विदाउट पिलर वाला घर का, मतलब जैसा गांव स्टाइल है उस टाइप में बना हुआ ब्यूटीफुल घर का जो है वॉक थ्रू आपको दिखाएंगे। अगर आप नए चैनल पर यार सब्सक्राइब कर दो एंड एक घर का जो कंस्ट्रक्ट किए थे इंजीनियर का नाम भी बताएंगे आपको और उसके साथ जो है इसका टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन किया कितना हुआ था और आज की डेट में अगर सेम घर आप कंस्ट्रक्ट करें समझो और कितना खर्चा हो सकता है वो भी आपको बताएंगे। एंड साथ में अगर किसी को इंजीनियर का नंबर चाहिए तो भी वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बाहर का व्यू है, बाहर का फ्रंट व्यू डिसेंट ऊपर हेडरूम आ जाएगा। यहाँ पे इधर से स्टेप्स गए हैं उस तरफ, इन फ्यूचर में कंस्ट्रक्ट करिए तो भी वो रेज कर सकते हैं हेडरूम वो सब। फिर उसके बाद ये बाहर में कलर कॉम्बिनेशन इस तरह से बना हुआ। यहाँ से चलते हैं आप लोग अंदर, ये आ जाएगा आपका मेन गेट एरिया ये वाला। फिर यहाँ से आप चलते हैं ये नॉर्थ एंड ईस्ट कॉर्नर के तरफ से जो है ना वेल दिया गया। ये सामने इधर किचन एरिया आता साउथ साइड की तरफ और पूरा घर में बीम यूज़ किया गया, बीम एंड स्लैब यही RCC वर्क है, बाकी का जो है पूरा नॉर्मल ब्रिक वर्क। और यहाँ पे वेल इधर से आता आपका मेन डोर जैसा अकॉर्डिंग टू वास्तु ईस्ट की तरफ लिया हुआ है। जैसे कि और सो था आपका बाहर का व्यू, ओके ये बाहर का व्यू है। फिर उसके बाद आप आते हैं अंदर घर के अंदर, यहाँ का मेन डोर 3 feet 6 inch विड्थ। यहाँ से आप चलते हैं अंदर घर की तरफ। जैसे कि और हम आ गए हॉल के अंदर, सो ये आ जाता आपका हॉल। हॉल का साइज़ आपको 11 feet लगभग 11 to 12 feet मिल जाएगा, तो सो 12x16 feet तक आप मान लीजिएगा। और सामने की तरफ एक कलर कॉम्बिनेशन येलो लाइट ऑरेंज येलो विथ पिंक लाइट पिंक कलर में दिया हुआ है, सो डिसेंट कलर कॉम्बिनेशन। और उसके साथ यहाँ पे जो एंड है ना यहाँ पे एक विंडो दिया है जिसका साइज 6x4 feet तक यहाँ पर मिल रहा है, ओके ये यहाँ पर कुछ शेल्व्स के लिए जगह जो इनबिल्ट है दीवार के अंदर है इस तरह से। फिर उसके बाद उधर से आप एंटर हो गए थे, एंटर होने के बाद सामने की तरफ देखो एक पूजा रूम आ जाएगा। फिर आ जाता है आपका किचन एंड आपके जो राइट की तरफ गए तो वहाँ पे ओपनिंग है, ओपनिंग में क्या है आपका एक दो बेडरूम आ जाएगा और एक कॉमन टॉयलेट एंड बाथ। सो यहाँ से हम चलते हैं अंदर की तरफ, ये आ जाता है आपका ओपनिंग एरिया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कॉमन टॉयलेट एंड बाथ जैसा सुविधा दी गई वो आपको मैं बताऊँगा आपको आगे की तरफ। यहाँ से आता आपका एक बेडरूम एरिया, सो बेडरूम में एंटर होते हैं। बेडरूम का साइज़ लगभग आपको 8x10x11 feet तक मिल जाएगा, सो नॉर्मल मीडियम साइज़ बेडरूम। फिर उसके बाद स्लैब की हाइट बात करें तो 11 फीट तक लिया हुआ है स्लैब हाइट। इसमें दो विंडो, सो कंटिन्यूस एयर सर्कुलेशन रहेगा आप लोगों के लिए और विंडोज़ के ऊपर दो वेंटिलेटर की सुविधा भी है। एंड इस तरफ जो शेल्व्स एरिया दिया हुआ है सो डिसेंट है। अगर आप इसको कर्टेन पे इसका कवर अप कर दिया तो और अच्छा दिखता है, मतलब फर्नीचर बनाने का आपको नेसेसरी नहीं पड़ेगा वो मैं बात कर रहा था। फिर यहाँ से आप एंटर होते हैं मास्टर बेडरूम में, जैसे कि उधर से किचन में एंटर होते हैं इधर से आप आते हैं मास्टर बेडरूम और उससे पहले जो है ना कॉमन टॉयलेट एंड बाथ लिया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा ये किस तरह से बनाएगा, एक चीज़ जो है सेपरेट एक बाथरूम है और एक टॉयलेट रूम सेपरेट बनाया गया। यहाँ से आप यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, कोई ऐसा एक चाहते हैं सेपरेट एक बाथरूम हो एक टॉयलेट रूम सेपरेट रहे ना बोल के, तो उसी अंदाज में यहाँ पर बनाया गया और ऊपर का जो है फुल ओपनिंग है यहाँ पर। ये आपका वेस्टर्न सेटिंग कमोड, ओके। फिर उसके बाद यहाँ से आता है आपका इंडियन सेटिंग का, मतलब सेपरेट बाथरूम है समझ लीजिए उतना ही। सो ये इस तरह से बनाएगा, ये आ गए जी आपका और एक बेडरूम साउथ एंड वेस्ट कॉर्नर की तरफ। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डोर दिया है सो दैट बाहर की तरफ कुछ ऑफसेट एरिया रहता है ना वहाँ पर जाने के लिए। यहाँ पर जो है जो बच्चों का
लिखा है वो सब यहाँ पर लगाया गया, और सामने की तरफ शेल्व्स इस तरफ दिया गया। फिर यहाँ से आप एंटर करते हैं और रूम में। अब हम लास्ट में देखते हैं किचन एरिया। ये दोबारा हम आ गए वापस हॉल के अंदर। यहाँ से आपके लेफ्ट में आता है पूजा रूम। ये आता है आपका मीडियम स्मॉल साइज पूजा रूम। फिर इसके बाद आपका आता है, ये आ गया आपका किचन प्लेटफॉर्म एरिया। इस तरह से बना हुआ है, और साइज़ की बात करें तो 7 फीट बाय 10 फीट तक आपको मिल जाएगा जगह। और इस तरफ जो है स्टोरेज के लिए जगह मिल रहा है। इस तरह से जो है जगह मिल रहा है आप लोगों को। सो व्यूअर्स, कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताएगा, एंड उम्मीद है पसंद आएगा। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को सपोर्ट करने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। एंड आपको कैसा लगा और इसका प्लान चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, ज़रूर आप एक बार चेक कर लीजिए।